हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। एक अक्टूबर को पूरा कानपुर उस वक्त सहम गया था जब कानपुर के फजलगंज के एक घर में पति पत्नी और 12 साल के मासूम बच्चे की बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पुलिस पर हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने का बहुत दबाव था। एक रात में हुए ट्रिपल मर्डर से डर और गुस्से में थे कानपुर के लोग। पुलिस ने इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई। लगातार चली खोजबीन के बाद आखिरकार चौथे दिन पुलिस ने हत्यारों को दबोच ही लिया। पुलिस ने जब इन हत्यारों से पूछताछ की तो जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। इस सच को सुनकर आपका दोस्ती पर से भरोसा भी उठ सकता है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि एटा का रहने वाला गौरव और मंदना के रहने वाले हिमांशु की दोस्ती प्रेम किशोर से थी। तीनों कई साल पहले गुड़गांव में रहकर नौकरी करते थे। तीनों के बीच अच्छी पटती थी और तीनों में अच्छी दोस्ती भी थी। शुक्रवार को गौरव और हिमांशु पुराने दोस्त प्रेम किशोर के घर पहुंचे और प्रेम को बताया कि उन्हें नौकरी के सिलसिले से दिल्ली जाना था लेकिन उनकी ट्रेन छूट गई है। ऐसे में अब रात बहुत हो चुकी है और उन्हें घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा, लिहाजा उन्होंने प्रेम से मदद मांगते हुए रात उसी के घर में गुजारने की इच्छा जताई। इस पर पुराने दोस्तों पर विश्वास कर प्रेम किशोर राजी हो गया। देर रात खाना खाने के बाद जब प्रेम किशोर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सो गया तो गौरव और हिमांशु ने सबसे पहले प्रेम किशोर को सोते में ही दबोच लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। इसी बीच 12 साल का मासूम नैतिक जग गया तो दोनों ने उसके सिर पर राड मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद दोनों ने सबसे पहले प्रेम किशोर की हत्या कर दी। इसके बाद 12 साल के मासूम नैतिक की हत्या की और सबसे आखिर में दोनों ने मिलकर ललिता देवी को बंधक बनाकर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दोनों ने पूरे घर की तलाशी ली लेकिन उनके हाथ ज्यादा रुपए नहीं लगे। वारदात को अंजाम देने के बाद गौरव घर से पैदल ही बाहर निकला जबकि हिमांशु बाइक लेकर। पुलिस ने बताया कि एक सीसीटीवी कैमरे में दोनों घर से निकलते वक्त कैद हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो दोनों हत्यारों का भेद खुल गया। इन्होंने योजना बनाई कि जो प्रेम कुमार प्रेम किशोर व्यक्ति थे जिनका परिचय गौरव से पहले से था, जो किराने का दुकान चलाते थे, गौरव के इसके बारे में पूरी मालूमात थी कि इनके कहाँ कहाँ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके पास कितना पैसा है, इसका एक अंदाजा उसे था। उसने हिमांशु के साथ ये योजना बनाई कि अगर हम इसके घर चलते हैं और इसके घर में जो सामान है इसको हत्या करने के बाद इसको हम चोरी करते हैं तो इसके बाद हमें काफ़ी पैसा होगा, हम दिल्ली जाकर कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से 1 तारीख की रात 10 बजे पहले गौरव शुक्ला वहाँ घर पर गया और उसने पूरी जानकारी वहाँ से प्राप्त की, रेकी की और रात में पुनः वो हिमांशु के साथ घटनास्थल पर आया और रात में रुकने के लिए अनुरोध किया प्रेम किशोर से, जबकि उसने परमिशन दे दी रात में रुकने के लिए। उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और वहां से उसकी मोटरसाइकिल और कुछ पैसे लेकर वहां से फरार हो गए। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनके पास से पूरे साक्ष्य जुटाए गए हैं और बहुत जल्द इनको न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा। हिमांशु और गौरव ने बताया कि उन्हें इस बात का विश्वास था कि प्रेम किशोर के घर में उन्हें मोटी रकम मिलेगी, लिहाजा वो लूटपाट करने के इरादे से प्रेम किशोर के घर आए थे। इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की सबसे ज्यादा मदद की सीसीटीवी ने। सीसीटीवी वो कड़ी थी जिसकी मदद से पुलिस हत्यारों तक पहुंच पाई। संवाददाता लक्ष्मी चंद दीक्षित की रिपोर्ट, कानपुर यू न्यूज़ यूपी।